नागपुरात समर्पण सेवा समिती तर्फे लोकांसाठी थंड पाण्याचे नियोजन करण्यात आले. गेल्या 5 वर्षापासून समर्पण सेवा समिती तर्फे हे काम सेवा प्रकल्प अंतर्गत केले जात आहे. तर ग्वालानी परिवाराकडून लोकांसाठी ही थंड पाण्याची मशीन बसवण्यात आली. आज हनुमान जयंती निमित्त नागरिकांसाठी थंड ताकाचे देखील आयोजन करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे या आठवड्यापासून प्रत्येक आठवड्यात ज्यांच्या पायात चप्पल नाही त्यांना चप्पल, तर कडक उन्हापासून वाचवण्यासाठी दुपट्टेही देण्यात येणार आहे. यावेळी उन्हातही समाजसेवेचे काम करत राहू असे आवाहन माजी आमदार गिरीश व्यास यांनी केले. सर, क्या कहेंगे आज यहाँ पर समर्पण सेवा समिति की ओर से एक और उम्दा कार्य किया गया, किस तरह का कार्य, उसके बारे में जरा विस्तार पूर्वक बताइए. सबसे पहले तो समर्पण सेवा समिति के माध्यम से पवित्र हनुमान जन्मोत्सव की सभी नागरिकों को हम दिल से शुभकामनाएं देते हैं, अभिनंदन करते हैं. भगवान हनुमान हमारे जीवन में खुशी, शांति और निरोगी आयुष्य हमको दे, ये कामना करते हैं. हम प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सेवा प्रकल्प के अंतर्गत यहाँ गत 5 वर्षों से हम प्याऊ यहाँ पर चलाते हैं. ठंडे पानी की मशीन के साथ ये व्यवस्था यहाँ पर इस धूपताले के पूरे अवसर पर और जब तक चलते रहती है तब तक ये लगातार चलते रहती है. आज हनुमान जन्मोत्सव है और इस अवसर पर हमने यहाँ पर एक छाछ की व्यवस्था भी की है. हमको मालूम है ग्रीष्म ऋतु है और इस गर्मी के दिनों में छाछ लोगों के मन को राहत देती है. ठंडा पानी और छाछ, ये दोनों की व्यवस्था यहाँ पर की है. हमारा प्रयास रहेगा, इसको हम लगातार करते रहेंगे. हमारे माध्यम से और पंडित बचराज व्यास सेवा प्रतिष्ठान की ओर से हम दोनों संयुक्त रूप में समर्पण सेवा समिति और पंडित बचराज व्यास स्मृति प्रतिष्ठान, हम हर साल अभी ये हफ्ते से हर हफ्ते गरीब लोगों को जिनके पैरों में चप्पलें नहीं है उनको चप्पल देना है, चलती हुई कड़क धूप में कान को दुपट्टे देना है, हमको उस वहाँ पर पानी की अच्छी बोतलें, बिस्लेरी नहीं, जो पानी हम अपने घर में बोतलों में रखते हैं वो बोतलों के माध्यम से पानी देते हैं. तो ये सब कार्यक्रम लगातार इस चौक पर और पंडित बचराज व्यास चौक पर लगातार चलते रहेंगे. दुपकाले में हम सेवा करते रहेंगे. जो भी सज्जन सेवा में आना चाहें वो समर्पण सेवा समिति से छापरू नगर में नरेश जी जुम्मानी से संपर्क करें. आज ग्वालानी परिवार की ओर से ये ठंडे पेहू की मशीन हमने यहाँ पर दी है और ये ग्वालानी परिवार इस सेवा को यहाँ पर कर रहा है और छाछ का वितरण भी हमारे समर्पण सेवा समिति के कार्यकर्ता कर रहे हैं. जय हनुमान.